मेरा नाम प्यार सिंह है, मैं 105 साल का हो चुका हूँ और वोट पाने के लिए मैं आया हूँ। वोट डाल दिया मैंने, अब वापस जा रहा हूँ। मैं 1992 से वोट डाल रहा हूँ, आज पता नहीं है लास्ट वोट होगा, आगे का पता नहीं। और लोगों से अपील करता हूँ कि वोट पाने के लिए जरूर आए हो। तो आपने देखा कि 105 साल के मास्टर प्यार सिंह जो यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, और हालांकि वो ऊंचा सुनते हैं लेकिन उसके बावजूद ही उन्होंने मतदाताओं को जागरूक, जो युवा मतदाता है उन्हें जागरूक किया है कि वोट डालने, जो प्रजातंत्र का ये महापर्व है, इसमें अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और वोट डालने के लिए ज़रूर आएँ। अभी जो है गर्मी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र 55 है, यहाँ पर ये मास्टर प्यार सिंह जी 105 वर्ष की आयु वाले यहाँ मतदान करने पहुँचे थे। सुबह जो था वो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोगों की संख्या जो है लाइनें कम दिख रही हैं। कुल मिलाकर अब तक की बात करें तो अब तक 15-20% के बीच में मतदान हुआ है। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि 70-75% के बीच में चंबा जिला में यह मतदान हो सकता है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। वोट डालना जो है वो एक सबसे पुण्य का काम है, और ये हमें वोट डालने का अधिकार जो है वो मिला हुआ है, इसलिए मैंने तो डाल दिया। पर मैं बाकी के जो लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना मत जरूर यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आकर के डालिए, और इसमें लोकतंत्र जो है वो इससे मजबूत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आज पूरे हिंदुस्तान में जो है वोटिंग जो है वो हो रही है, और इसमें विशेष करके ये चरणबद्ध ढंग से ये वोट जो है वो पड़े हैं, सातवें चरण में हमारे वोट जो है यहाँ पे पड़े हैं। और मेरी सभी मतदाताओं से ये निवेदन है कि अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करें ताकि एक मजबूत सरकार बने, और मजबूत सरकार बनने से हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की करे। मैं इतना ही लोगों से निवेदन। युवाओं से क्या, युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? युवाओं को एक डिसीजन मेकर सरकार बननी चाहिए, और युवाओं को तभी रोजगार मिल सकता है जब कोई मजबूत सरकार होगी, तभी वो फैसले जो है वो ले सकते हैं। तो मैं युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो निकट भविष्य में उनको नौकरियां जो हैं वो भी मिलेंगी, लेकिन एक उनको ये जो है अब नौकरी की जो बातें कर रहे हैं, तो मजबूत सरकार बनाएंगे तभी नौकरियां मिलेंगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज मैं भी जो मतदान करने आया हूं, और ये मौका जो है हर 5 साल के बाद जनता को मिलता है। जनता सरकार चुनती है, और सरकार उसको चुनती है जो काम करती है, और काम के वजह से ही मोदी जी 10 सालों से केंद्र सरकार में है। अगला 5 साल भी मोदी जी के नाम पर और मोदी जी के काम पर जो है जनता फैसला करने जा रही है। और मैं देख रहा हूँ सवेरे से ही जो उत्साह लोगों के अंदर है, और उस उत्साह से जो लोग सवेरे से निकले हैं हिमाचल में, क्योंकि अंतिम हमारा फेज है, अंतिम फेज जो है आज चुनाव का ख़त्म होने वाला है। अंतिम फेज में चारों हमारी लोकसभा की सीटें हैं और 6 विधानसभा की सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है। और जो जिस तरीके से मोदी जी के कार्यक्रमों में, योगी जी के कार्यक्रमों में, गडकरी जी के कार्यक्रमों में जनता का जो एक बहुत बड़ा झुकाव था, उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत जो है मंडी लोकसभा से और विधानसभा से लोगों की हमारे यहाँ पर होने जा रही है। और मैं सभी मतदाताओं से का आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे रैलियों में आने की बात हो, चाहे मतदान पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात हो, इसमें सभी लोग जो हैं आगे आ रहे हैं। और शाम तक, क्योंकि 6 बजे तक मतदान है, कोई घर ना बैठे, सभी मतदान करने पहुँचे चाहे किसी समय, क्योंकि सवेरे मैं देखा कहाँ 40-40% जो है पोलिंग कई जगह हो चुकी है, तो कई सवेरे से ही उत्साह नज़र आ रहा है।
और शाम तक मुझे लगता है कि हैवी पोलिंग जो है ये होने जा रही है। मेरा नाम तारा चंद, एक घंटे से खड़ा हूँ सर। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ क्या होगा, दो मिनट एक वोट को डालने के लिए लग रहे हैं। 12 घंटे में 360 वोट पोल होगा, कहाँ से पोलिंग पूरी होगी फिर? कौन सा स्टेशन है ये? द्वाला। बाकी लोग कितने देर से खड़े? बाकी लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 7 बजे 8 बजे से खड़े हैं। मैं कैप्टन देवराज राणा द्वाला से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो 63 बूथ नंबर जो द्वाला का खास का है, उसमें काफ़ी स्लो वोटिंग हो रही है। इसका कारण पता नहीं, सिंगल मशीन होने के कारण है या कुछ और है, काफ़ी स्लो वोटिंग हो रही है। तो लोग जो काफ़ी भीड़ में धूप में खड़े हैं, वोट डाल रहे हैं, उनकी मशीन में भी काफ़ी टाइम लग रहा है उसके लिए। उसको कोई एक्यूरेसी उसकी करेक्ट करना चाहिए ताकि उसको फास्ट हो जाए। धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है, देश के लिए सरकार चुनी जानी है, और आज मैंने अपने वोट का जो मतदान किया है यहाँ पे गोंदपुर जयचंद के मतदान केंद्र पे किया है, और मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हमारे 4 लोकसभा के चुनाव हैं और 6 चुनाव जो है वो विधानसभा के लिए हैं, और लोग ये सब इस चुनाव में जनादेश देंगे। जो हमारे प्रदेश में सरकारें तोड़ने, सरकारें गिराने, दल बदल की जो राजनीति को प्रोत्साहन देकर राजनीति दूषित करने का जो प्रयास हुआ है, आज उस पे वोट डालने का मौका आया है, और हिमाचल प्रदेश के लोग अपना जो आक्रोश है उनका, जिस ढंग से भाजपा ने राजनीति को दूषित करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ वोट होगा और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले से ज़्यादा स्थिर होगी, और हमारी लोकसभा की सीटें जीत के हम केंद्र की किट्टी में जो है 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि 6 की 6 उपचुनाव हम जीत रहे हैं, और लोकसभा की सीटें हमें इसमें बोनस में मिल रही हैं, क्योंकि जो ये हुआ सब एपिसोड 6 विधायकों को खरीदने का, ये हिमाचल की संस्कृति पे धब्बा है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें गिरा कर अपनी सरकारें बनाई, चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, गोवा है, इसलिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इनका षड्यंत्र विफल हो गया, और ईश्वर कृपा से जो है अब उनको दंड मिलने वाला है, और भविष्य में भी जो है हिमाचल प्रदेश के लोग जो है एक संदेश देंगे और एक दिशा देंगे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को, कि हम खरीद फरोख्त की दल बदल जो ऐसी राजनीति है इसको पसंद नहीं करते हैं, और जो करेगा उसको दंड मिलेगा, और इन 6 उप जो पूर्व विधायक थे इनको ज़रूर जो है हिमाचल प्रदेश की जनता दंड देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी अलग हुई हैं, जो पीछे हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, इस वजह से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में गुस्सा है, और वैसे पूरे हिंदुस्तान में ही इसमें बदलाव का मूड लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज तक वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। चाहे महंगाई की बात है, बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा है, और जो यहाँ पर अग्निवीर योजना ये लेके आए, तो सरेआम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूंजीपतियों के लिए काम करती है, चाहे कॉरपोरेट टैक्स कम करने की बात है, चाहे वो जो इनकी लाइबिलिटीज थी उसको राइट ऑफ करने की बात है, तो हमेशा इन्होंने पूंजीपतियों के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है और गरीब जो है ज़्यादा गरीब। मतदान में यही बोलना चाहेंगे कि सारे जने आके, जितने भी लोग हैं हमारे प्रदेश के और मेरे विधानसभा के क्षेत्र के, सब आके जो है अपना मतदान का जो है मतदान करें, और देश की तरक्की में जो है योगदान दें। मतदान जो है ये देश के भविष्य की बात है, 5 साल बाद एक बार सरकार चुनी जाती है, तो सब लोगों को जो है
इसमें जो है मतदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक बड़े प्रतिष्ठित नाम है उनका, विख्याति है और कई साल सेंटर में जो है मंत्री रहे हैं और 30 साल राज्यसभा से सांसद रहे हैं, डेप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं राज्यसभा में, तो मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब कुछ डालती है और आने वाले 4 तारीख को जो है बेहतरीन रिजल्ट्स हो हैं। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं तेगुड का रहने वाला निवासी हूं और आज मैं पहली बार यहां वोट देने आया हूं और मेरी सबसे यही अपील है कि सभी आके अपना वोट दें, धन्यवाद। आज मेरा पहला वोट था, 18 वर्ष के होने के नाते आज मेरा राइट टू वोट, मैंने आज वोट दिया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पहली बार वोट दिया तो चीज़ें कम पता थी, लेकिन वोट दे दिया आप देख सकते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सभी के साथ मैं चाहती हूँ कि जो भी जीते, कोई भी जीते, बस देश का और स्टेट का नाम रोशन करे और अच्छे परिवर्तन। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। मेरी आप सबसे अपील है कि आप भी आगे आके वोट। आज विशेष दिन है, आज इस देश का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला है। मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि सभी अपने मत का उपयोग करें और इस देश को एक सही दिशा में ले जाने का अपना कार्य करें। देखिए, जो आज का दिन जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये एक ऐसा दिन है जो इस देश को आगे जो सरकार बनेगी फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी मतदाता आज के समय में अपने मत का अधिकार सोच समझ के करेंगे और एक अच्छी सरकार दिल्ली में, लाहौल स्पीति में बहुत अच्छा माहौल है। लाहौल स्पीति में हम लोग अवश्य जीत की ओर अग्रसर रहे और 4 तारीख को लाहौल से अनुराधा राणा जो कैंडिडेट है हमारी, वो भारी मतों से जीत के विधानसभा में आई। महत्वपूर्ण चुनाव है, 18वीं लोकसभा के लिए लोग मतदान कर रहे हैं देश के अंदर। आज अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा के उपचुनाव के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। सभी को बाहर आके अपना वोट डालना चाहिए। आपका वोट जो है लोकतंत्र को मजबूत करेगा और आप जो है विकास के लिए देश की सरकार बनाएंगे। उसी तरह प्रदेश में 6 जो विधानसभा का उपचुनाव है, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और मतदान में तेज़ी आएगी और लोग अपने मतदान से प्रदेश के लिए भी एक मजबूत सरकार जो बनाई है उसको और ताकत देंगे और 6 की 6 जगह कांग्रेस पार्टी को लोग जो सरकार बनाई है 15 महीने पहले प्रदेश में लोगों ने, उसको और मजबूत करेंगे। देखिए, दावा करना एक अलग बात है, लेकिन इसका फैसला तो मतदाताओं ने करना है और आज मतदाता निकल के ईवीएम के ज़रिए अपना मत देंगे और 4 तारीख को ये सारी चीज़ साफ हो जाएगी। और अब सीधे रुक करते हैं अपने रिपोर्टर रणवीर सिंह के पास चलेंगे। रणवीर के साथ इस वक्त सीएम सुक्खू भी मौजूद है वहां। रणवीर जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने परिवार के साथ मतदान करके अभी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मतदान आपने किया है और वोटर टर्नआउट भी काफी अच्छा है, क्या लग रहा है कि काफी संख्या में मतदान आ रहे हैं, क्या आंकलन है आपका? देखिए, ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है, ये कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है। हमारी सरकार के अभी 3.5 साल पड़े हैं और 3.5 साल का कार्यकाल जब हमारी सरकार पूरा करेगी तब जनरल चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। ये जो चुनाव है इसमें 6 जो उपचुनाव है वो 3.5 साल के लिए होने जा रहे हैं, 4 लोकसभा के 5 साल के लिए होने जा रहे हैं। पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया, 6 कांग्रेस के विधायकों को जो राजनीतिक मंडी में बिके और आज वो हाथ को बेचकर कमल को खरीद कर लाए हैं, जो हाथ के नहीं हो सके वो कमल के क्या होंगे। ईमानदार कार्यकर्ताओं को ये फैसला करना है कि भविष्य की राजनीति
कि लोकतंत्र की हिमाचल प्रदेश में दिशा क्या हो और दशा क्या हो। आप कह रहे हैं कि ये सरकार का चुनाव नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, आप ही के जिले से आते हैं, अनुराग ठाकुर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो सरकार हिमाचल में भी सरकार बनेगी भाजपा की और केंद्र में तो बनी रही है, ये कह रहे हैं। तो अगर हमारे पास आंकड़ा 34 है, बीजेपी के पास 25 है, गलती से अगर जीत भी जाए, भगवान ऐसा करेगा नहीं हमारे साथ अन्याय, गलती से अगर जीत भी तो भी 31 हुए, 3 आजाद विधायकों का, लेकिन इस प्रकार की बात करके वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हिमाचल की जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता की ताकत जनबल है, धन की ताकत धनबल है। इस समय जब जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता को जीतना होगा और धनबल को हारना होगा, तो उनको अपने कैडर को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की बात करनी पड़ती है कि हमारा कैडर जो है टूट ना जाए, इंटैक्ट करना रखना चाहते हैं। आपने काफी सारा प्रचार भी किया, जो उपचुनाव भी हुए इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आप रहे। अनुराग ठाकुर थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, 16 साल उन्हें हो गए हैं, पांचवी दफा किस्मत आजमा रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन 26 साल की एंटी इनकम्बेंसी का अनुराग ठाकुर को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो समझ नहीं रही है। और ये जो 6 में जो 6 कांग्रेस के विधायक खरीदे गए हैं, इसका नुकसान भी पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी चारों प्रत्याशियों को भी भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इसका असर जो है लोकसभा सीटों पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, और ये दूसरा मुद्दा ही है। आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर हार जाएंगे? नहीं, 6 पर पड़ेगा, हार भी जाएंगे, उसमें क्या हो सकता है, हार भी निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ। शाम को 6 बजे तक वोटिंग का ट्रेंड पता लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और उधर से तो कंगना रनौत भी आश्वस्त नजर आ रही है। ऐसे देखिए, जब तक परिणाम नहीं निकलता सबको आश्वस्त होते, तब तक तो खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि जब परिणाम निकलेगा तो एक को खुश होना है, एक को थोड़ा मायूस होना है, दुखी नहीं मायूस होना है, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, इसमें ऐसा होता ही है। तो क्या लग रहा है मंडी सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो जबरदस्त टक्कर लग रही है? हम चारों सीटें जीतेंगे, जनता चुनाव लड़ रही है, 6 विधानसभा जीतेंगे, ये जनता का चुनाव है, ये कोई सरकार बनाने के लिए तो चुनाव ही नहीं है, तो जनता का। एक सवाल मेरी तरफ से पूछेगा, क्या खास तौर से हमीरपुर की सीट सीएम सुखू के लिए चुनौती से कम नहीं है? ताकत जिस जनता के वोट से सरकारें चुनकर आती है, उस वोट की अहमियत रहे,